पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। इन दिनों बिहार के कई जिलों से अपराध और अपराधियों की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर जो पुलिस की व्यवस्था है, जो प्रशासन की व्यवस्था है, उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते दिनों मोतिहारी से कुछ ऐसी ही घटना निकल कर सामने आई है। आपको बता दें कि जब मोतिहारी में कुछ अपराधियों ने एटीएम तोड़कर पैसा निकालने में असफल रहे तो उन्होंने एटीएम को ही उठाना, एटीएम को ही उखाड़ फेंकना सही समझा। हम जो आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं ये मोतिहारी के कोटवा बाजार स्थित स्टेट बैंक के मुख्य गेट का है। आपको बता दें कि कोटवा बाजार स्थित स्टेट बैंक के मुख्य गेट पर दो एटीएम मशीन, जिसमें एक के पास बुक प्रिंट होता है यानी कि पासबुक प्रिंट किया जाता है और दूसरे में कैश निकाला जाता है। चोरों ने पासबुक प्रिंट होने वाले एटीएम को छुआ तक नहीं और कैश वाले एटीएम को उखाड़ कर लेते चले गए। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक एटीएम बंद रहता है। इसी दौरान चोरों ने अपना हाथ साफ कर लिया। रविवार होने की वजह से शनिवार को ज्यादा कैश एटीएम में डाला गया था। एटीएम में कितना कैश डाला गया था या कितने कैश की चोरी हुई, बैंक खुलने पर पता चल सकेगा। एटीएम चोरी की जानकारी मिलने के बाद कोटवा पुलिस मौके पर पहुंचकर गार्ड से पूछताछ करते हुए का वीडियो बना रही है। जबकि कोटवा थाना को मालूम है कि इस एटीएम पर रात में बैंक के कोई भी गार्ड की ड्यूटी नहीं रहती है। ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी थी कि वो मुख्य बाजार के एटीएम पर निगरानी रखे। जी हाँ, बिहार की ये पहली तस्वीर नहीं है। बिहार के कई जिले ऐसे हैं जहाँ से इन दिनों अपराध और अपराधियों का बोलबाला बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन कुछ ऐसी घटना सामने आती है। बात अगर हम पटना ही की करें तो पटना में हर दूसरे दिन आपको ऐसी घटना देखने को मिलेगी जहां पर लोगों की चैन स्नेचिंग की जाती है, मोबाइल छीन लिया जाता है, लोगों के साथ छीना झपटी की जाती है, मारपीट की जाती है। लेकिन अब बिहार में जो अपराध का रेशियो है धीरे 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 बढ़ रहा है, क्योंकि बिहार से जो भी खबरें निकल कर आती है वो इस तरह की ही कुछ होती है। आप सोचिए जरा कि किस तरीके से अपराधियों का इतना बोलबाला बढ़ चुका है कि अब वो एटीएम तोड़ कर पैसे तो निकालते ही हैं और जब एटीएम उनसे नहीं टूट पाता, एटीएम नहीं काट पाते तो वो एटीएम उखाड़ कर ही ले जाते हैं। अभी आज सोमवार है और अभी तक बैंक नहीं खुला है। जब 10-11 बजे के बाद बैंक खुलेगा उसके बाद ही पूरी बात निकल कर सामने आ पाएगी कि आखिरकार उस एटीएम में कितने पैसे थे, कितनी की चोरी हुई है और जो अपराधी है उनके हाथ कितना रुपए लग चुका है। आप सब जानते हैं कि कल रविवार था, ऐसे में शनिवार के दिन एटीएम में पैसे रखे जाते हैं। ये मंडे टू फ्राइडे जो वीक डेज चलता है उन दिन में एटीएम ज्यादा बिजी रहता है, इस कारण मंडे टू फ्राइडे ना डालकर सैटरडे को पैसा डाला जाता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एटीएम में भारी भरकम रकम तो जरूर होगी। ऐसे में जिन अपराधियों ने ये कारनामा किया है उस पर पुलिस क्या एक्शन लेती है। हालांकि अभी जो खबर निकल कर आई है वो ये कि पुलिस गार्ड से पूछताछ कर रही है, लेकिन ये भी पता चला है कि वहां कोई गार्ड नहीं रहता। जो उस एटीएम की जो निगरानी की जिम्मेदारी है वो पुलिस को रखनी चाहिए थी। ऐसे में इस पूरे मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है और आगे इससे क्या कुछ निकल कर आता है और कितने पैसे जो अपराधियों ने चंपत किए उनकी जो कितने पैसे है वो भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि रकम जो है वो भारी भरकम होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। हालांकि जांच की जा रही है, पुलिस ने आश्वासन भी दिया है कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा, लेकिन देखना अभी बाकी है कि आखिरकार ये अपराधी कब तक पकड़े जाते हैं और उनके पास से कितने कैश बरामद होते हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।